बीते मंगलवार को जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंची और प्रदर्शन किया, इससे नाराज होकर दिल्ली पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, साथ ही उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं किसानों की मांग को देखते हुए सरकार ने किसानों के नेता से बात भी की, लेकिन वो बात किसानों को पसंद नहीं आई और उन्होंने आज भी प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। आपको बता दें, किसानों की मांग को देखते हुए कांग्रेस ने किसानों का साथ देने की बात कही है, साथ ही उनके प्रदर्शन में शामिल होने की बात भी जाहिर की है। यह हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते मंगलवार को किसानों का जत्था जब दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर पहुंचा था तो उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों ने बलपूर्वक उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया था, साथ ही उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार भी की थी, जिसमें कई किसान बुरी तरह से घायल हो गए थे। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से किसान आज परेशान हैं, इससे लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को किसानों की तरफ से बड़ा झटका लग सकता है। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।